करने वाले हैं इंडिया और ईरान के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में। रिसेंटली ईरान और इंडिया ने डिस्कस किया है चाबहार पोर्ट के बारे में और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। तो ये अपनी इंडिया है और ये ईरान है। तो पहले डिस्कस करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार फोर्ट का नाम अगर रीडिफाइन किए जाए तो चाब मतलब वहां पे फोर होता है और बाहर मतलब स्प्रिंग सीजन होता है। तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान ये तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक डील साइन करी थी जहां पे वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, मतलब इंडिया से लेके अफगानिस्तान तक सामान आसानी से पहुंच सके, एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहते थे। ये 2016 में एक डील साइन करी गई थी। इस डील में इंडिया एक पोर्ट बनाने वाला था ईरान में, यहाँ पर चाबहार पोर्ट करके। तो इंडिया से यहाँ से शिप जाती चाबहार पोर्ट पे और शिप से लैंड के थ्रू अफगानिस्तान तक सामान पहुंच जाता। तो इंडिया से यहाँ से शिप जाती चाबहार पोर्ट पर और चाबहार पोर्ट से लैंड के थ्रू सामान पहुंच जाता अफगानिस्तान के अंदर। तो बेसिकली इस कॉरिडोर को लेकर इंडिया बाईपास करना चाहता है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी इंडिया को कोई भी सामान भेजना पड़ता है तो पाकिस्तान के थ्रू भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री यानी उसके आसपास की कंट्री की बाउंड्री के पास कोई भी समुद्र नहीं है, इसलिए वो कंट्री हमेशा दूसरी कंट्रीज के आसपास घिरा रहता है। और चाइना की प्रेजेंस पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे ऑलरेडी है। ग्वादर पोर्ट से लेकर के चाबहार पोर्ट तक का डिस्टेंस केवल 72 किलोमीटर का है। अगर इन फ्यूचर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है या पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो इंडिया के पास एक साधन होगा जहां से इंडियन नेवी चाबहार पोर्ट पे हो सके। इंडिया और ईरान के बीच में जो दूसरी बातचीत हुई है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर के है। अभी मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया से रशिया तक का ट्रांजिट टाइम, मतलब अगर इंडिया से रशिया में कुछ डिलीवरी करनी हो या रशिया से इंडिया को कुछ डिलीवरी लेनी हो तो अभी 40 डेज का होता है, बिकॉज हमको पूरा सी के थ्रू ऐसे घूम कर रशिया जाना पड़ता है। लेकिन ये जो रेड लाइन है, चार कंट्रीज रशिया, अजरबैजान, ईरान और इंडिया, इन चारों ने मिलकर एक डील साइन करी है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर के। तो विद द हेल्प ऑफ दिस INSC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो ट्रांजिट टाइम 40 डेज का लगता था इंडिया से रशिया सामान पहुंचाने में, अब वो लगेगा 25 डेज का। तो इससे 30% रिड्यूस हो जाएगा ट्रांजिट टाइम के अंदर। ये जो ट्रांजिट कॉरिडोर है ये 7200 किलोमीटर का है, एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मल्टी मॉडल यानी इसमें सी का भी यूज होगा, समुद्र का भी यूज होगा, रोड का भी यूज होगा और ट्रेन का भी यूज होगा। अब ये यूज कैसे होगा, इंडिया से चाबहार पोर्ट तक सी के थ्रू शिप जाएंगी, उसके बाद ईरान की जो लैंड है वहां पे रेल और रोड का यूज करके ईरान के अंदर कोई भी ट्रांजिट ट्रेवल कर सकता है। साथ ही साथ अजरबैजान कंट्री से लेकर के रशिया तक फिर सी के थ्रू जा सकता है, और रशिया में घुसने के बाद वो एक लैंड आ जाएगा तो वहां पे रेल भी चल सकती है और रोड भी चल सकता है। तो इस हिसाब से एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी फेजेस में इसकी शुरुआत हो गई है, और जब ये बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ट्रांजिट टाइम इंडिया और रशिया के बीच में घट जाएगा। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बहुत सारे चीज़ों की दिक्कत आई है। हम लोग जो रशिया से हमारे जो अच्छे रिलेशन हैं और हमको कोई भी सामान मंगाना पड़ता है तो ट्रांजिट टाइम में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। अगर एक बार ये कॉरिडोर बन जाएगा हम लोग बहुत सारी कंट्री को बाईपास कर देंगे, जिसमें इंडिया की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी कोई सामान रशिया से मंगाने में, साथ ही साथ टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिसमें ईरान इंडिया की पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो इंडिया और ईरान के बीच का जो डिस्कशन हुआ था हम लोगों ने वो इस डिस्कशन इस वीडियो में डिस्कस किया है। दो चीज़ों को लेकर के ईरान इंडिया का रिलेशन में डिस्कशन हुआ है। पहला तो चाबहार पोर्ट को लेकर के, चाबहार पोर्ट इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच की एक डील है जहाँ पे इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक सामान डायरेक्टली पहुंचाना है बाईपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा सामान पहुंचाना है कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर। और सेकंड, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं जहाँ पे चार कंट्री मिलकर बना रही है,
और हमको इंडिया से रशिया तक पूरा सामान पहुंचाना है बाय रिड्यूसिंग ट्रांजिट टाइम। इस टाइप की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो एक्सप्लेनेशन से चीज़ें बहुत आसान से समझ आ जाती हैं, और जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो हमको केवल इमेजेस याद रहती हैं, तो इमेजेस से हम लोग उन चीज़ों को लिख सकते हैं या फिर उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा ये मोटिव है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इमेज के फॉर्म में आपको चीज़ें समझाऊँ, जिससे हेल्प हो सके आप लोगों की। थैंक यू।